नमस्कार, आज की ये वीडियो सिंपल एंड यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप भी दूध फटने की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्पेशली गर्मियों के मौसम में दूध फटने की समस्या का बार बार हमें सामना करना पड़ता है। आजकल हर घर में फ्रिज आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर किसी के घर में फ्रिज नहीं है या फ्रिज खराब पड़ा हुआ है तो उनके लिए लंबे समय तक दूध को अच्छा रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बहुत ही आसान और यूजफुल टिप्स बताने जा रही हूँ, इसकी मदद से आप बिना फ्रिज के भी दूध को लंबे समय तक फ्रिज के बाहर अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है फ्रेंड्स, दूध को घर लाते ही सबसे पहले उसे गर्म कर ले। इससे क्या होगा, उसके फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। 4 से 5 घंटे बाद फिर एक बार दूध को गर्म कर ले। ऐसा करने से अगले 5-6 घंटे तक दूध अच्छा रहेगा, दूध खराब नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है। अगर आप दूध को फटने से बचाना चाहते हैं तो दिन में 2-3 बार दूध को ज़रूर उबालें। कई बार रात को गर्म किया हुआ दूध सुबह खराब हो जाता है, तो ऐसे में आप देर रात जैसे कि 9-10 बजे दूध को गर्म करें और फिर सुबह 6-7 बजे गर्म कर लें। इससे दूध दिन भर फटेगा नहीं। दूध को रात के समय फटने से बचाने के लिए आप चाहे तो एक और तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी प्लेट या थाली में ठंडा पानी भर ले और उसके ऊपर दूध का बर्तन रख दे। इससे आपका दूध ठंडा रहेगा, जिससे उसके फटने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन घरों में फ्रीज नहीं है उनके ही घर में दूध फटता है, क्योंकि कई बार फ्रीज होने के बावजूद भी दूध फटने की समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। अगर आप शाम को दूध लेते हैं और दूध को उबाल लेते हैं और देर रात तक वो ठंडा नहीं हो पाता है तो काफ़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में सुबह तक कई बार दूध फट जाता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बड़े बर्तन में बर्फ़ के टुकड़े डालकर उबले हुए दूध के बर्तन को तुरंत ही बर्फ़ पर रख दे। ऐसा करने से दूध तुरंत ही ठंडा हो जाएगा और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से लंबे समय तक दूध खराब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है या फ्रिज खराब हो गया है तो रात को आप चाहे तो दूध उस कमरे में रख सकते हैं जहां पर एसी, कूलर या पंखा चल रहा हो। इससे भी दूध फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर दूध को गैस पे रखते ही आपको लग रहा है कि वो फट जाएगा तो उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डालकर अच्छी तरह से मिलाते रहे जब तक कि उबालना आ जाए। इसके साथ ही कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल 3-4 घंटे के अंदर ही कर ले। लेकिन फ्रेंड्स, आपको दूध में ज़्यादा सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अधिक सोडा युक्त दूध पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे आपको पेट संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है सोडा डालकर दूध को लंबे समय तक अच्छा रखने की, ये जो ट्रिक है ज़्यादातर जो दूध बेचने वाले होते हैं या गवैये होते हैं वो इस्तेमाल में लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो दूध बेचने वाले हैं वो 4-5 घंटे दूध को अपने साथ लेकर घूमते हैं, फिर भी उनके पास का जो दूध है वो सुरक्षित रहता है। इसका कारण यही है कि वो दूध में जो है खाने का सोडा मिलाते हैं, इसलिए उनके पास का जो दूध है वो जल्दी ख़राब नहीं होता।